अस्सलाम वालेकुम, मैं फरामीदा अपनी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए हमने दो आलू ले लिए हैं, एक कटोरी मटर ले ली है, एक पत्ता गोभी ले ली है और ये दो टमाटर लिए हैं। इनको हम कट कर लें। पत्ता गोभी काट के धो लिया अच्छे से और ये आलू भी काट लिए हैं और धो लिए हैं। ये मटर भी धो दिए हैं, ये दो प्याज काट लिए हैं, ये आधा चम्मच जीरा है, ये एक चम्मच मिर्ची पाउडर है, ये चौथा चम्मच हल्दी पाउडर है, एक चम्मच धनिया पाउडर है, ये पाँच छह हरी मिर्ची काटनी है, दो टमाटर हैं और एक चम्मच नमक। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया है और उसमें तेल डाल लिया है एक बड़ा चम्मच। अब हम उसमें जीरा घेर देंगे, तेल गर्म हो गया है। जीरा के बाद हम प्याज डाल देंगे और उसको ब्राउन कर लेंगे। हमारी हो चुकी है, ज़्यादा नहीं भूने हैं ये, हम टमाटर डाल देंगे हैं और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें नीचे धनिया हल्दी सब डाल लेंगे और अपना आधा का पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे फिर मार से। मसाला हमारा भून चुका है, हम इसमें आलू डाल देंगे। अभी इन्हें अच्छे से चला देंगे, साथ ही मटर भी डाल देंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। आलू मटर अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम पत्ता गोभी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधे कप से कम और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ढक के सिम आंच पे और फिर इसको हम देखेंगे। गोभी पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, अभी हम कम से कम 10 मिनट और पकाएंगे, अभी ये कच्ची है, गली नहीं है। हो चुकी है हमारी पत्ता गोभी, गोभी गल गई, मटर भी और आलू भी। 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको बनाने में, अब हम इसको सर्व कर लें हैं। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ता डाल लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। तैयार है हमारी गर्मा गर्म गोभी मटर आलू की सब्ज़ी, आप भी इसी तरह से बनाएं। तैयार है हमारी मटर आलू गोभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, आप भी बनाएं, ट्राई करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।